कहीं बेटी तीन का तीन तलाक न हो जाए। साथियों, आज देश की हर मुस्लिम बहन बेटी के पास तीन तलाक के खिलाफ कानून की सुरक्षा हमने दी है। एक रिपोर्ट में सामने आया है, तीन तलाक का कानून बनने के बाद यूपी की हजारों बेटियों का घर टूटने से बचा है, तबाह होने से बचा है। मेरी बहन बेटियां बच गई है और उनके मायके वाले भी बच गए हैं। गौर परिवारवादियों ने किसानों और खासकर छोटे किसानों को भी हमेशा धोखा दिया है। ऐसे छोटे किसानों की चिंता पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने छोटे किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की, उसके बैंक खाते में सीधे पैसे भेजना शुरू किया। हमने फसल बीमा के नियमों में बदलाव किया, उनके लिए विशेष हमने पेंशन योजना शुरू की। हम किसानों के क्रेडिट कार्ड के दायरों को बढ़ा करके पशुपालन करने वालों को, मछली पालन करने वालों को भी हमने किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया। हम उत्तर प्रदेश में डेयरी सेक्टर को भी तेजी से विस्तार कर रहे हैं। ये डेयरी प्लांट अपनी बिजली की जरूरत गोबर से बनी बायोगैस से पूरी कर सके, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। इससे किसान को आय का एक और अतिरिक्त विकल्प मिलेगा और दूध न देने वाले पशुओं का उनको गोबर बेच करके भी कमाई का एक नया विकल्प हम पूरे उत्तर प्रदेश में देने जा रहे हैं। बूढ़ा पशु भी किसान को, पशुपालक को आय कराएगा। योगी जी की सरकार पहले ही ऐसे बेसहारा पशुओं के लिए गौशालाओं के निर्माण में पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। 10 मार्च को दोबारा सरकार बनने के बाद इस अभियान को और गति दी जाएगी ताकि किसानों को कोई दिक्कत न हो। भाइयों और बहनों, गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार बायोफ्यूल के इस्तेमाल को भी लगातार बढ़ा रही है। यूपी के किसानों को हजारों सोलर पंप ये भी हम मुहैया करा रहे हैं। जब खेत में ही सोलर पावर से बिजली पैदा होगी तो आप अंदाज कर सकते हैं कि किसान का कितना लाभ होने वाला है, कितना पैसा बचने वाला है। हमारी कोशिश है हमारा अन्नदाता ऊर्जादाता भी बने, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इस बार भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें भी बिजली से लेकर खेती किसानी से जुड़े बड़े संकल्प लिए गए हैं। 10 मार्च को सरकार बनने के बाद इन संकल्पों पर तेजी से काम किया जाएगा। भाजपा सरकार गंगा जी के किनारे बसे लोगों में प्राकृतिक खेती, केमिकल फ्री खेती को भी प्रोत्साहन दे रही है। भाइयों और बहनों, आज भाजपा की डबल इंजन सरकार यूपी को आधुनिक सुविधाएं देने में भी जान से जुटी हुई है। आप सोचिए, अगर इनकी सरकार होती तो यहां से गुजरने वाले यहां पर जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इतनी तेजी से आगे बढ़ता क्या? अगर इनकी सरकार होती तो क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इतनी तेजी से काम कर पाता क्या? कोरोना काल में भी कानपुर मेट्रो पर कितनी तेजी से काम किया गया ये आपने भी देखा है। इनके रहते क्या यहां डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण संभव हो पाते? इन लोगों ने जो फिरौती का, गुंडागर्दी का, कर्फ्यू का माहौल यहां बनाया था, दंगों का माहौल यहां बनाया था, लगभग कौन यहां निवेश करने आता? साथियों, माफियावादियों ने कानपुर में उद्योगों को तालाबंदी की तरफ धकेला। डबल इंजन सरकार कानपुर में मेगा लेदर पार्क बना रही है। जो पहले सरकारों में थे इन्होंने विदेशी आयात को प्राथमिकता देकर जालौन के कागज उद्योग को भी बर्बाद कर दिया था, लेकिन योगी जी की सरकार ने कागज उद्योग के साथ जालौन के मटर को भी वैश्विक पहचान दिलाने के लिए कदम उठाए हैं। आज जब मोदी देश में वोकल फॉर लोकल, लोकल के लिए वोकल होने की अपील करता है, तो उसके पीछे आप जिन उद्योगों से जुड़े हैं, आपके उद्योगों को ताकत देने का हम काम कर रहे हैं, कुटीर उद्योगों का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, यही हमारा मंत्र है, यही हमारा संकल्प है। लेकिन इसके लिए सबका प्रयास भी आवश्यक है। आपके एक एक वोट का योगदान बहुत आवश्यक है। इसलिए याद रखिए भाइयों बहनों, आज इस सभा के बाद आप घर घर जाएंगे, आप इस सभा के बाद घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, हर परिवार को मतदान के लिए समझाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे, भाजपा के कमल पे वोट डलवाएंगे, योगी जी की सरकार बनाएंगे, पक्का करेंगे। कमल निशान, कमल निशान, कमल निशान, ये घर घर पहुंचाएंगे। पहले मतदान फिर जलपान, और कोई काम पहले नहीं करेंगे, पहले मतदान करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळी म्हणजे 24